मैं तमाम मीडिया के हजरात और जर्नलिस्ट सब का मशकूर व ममनून हूँ कि आप साहिबान ने कोहिस्तान की आवाज़ आवाम तक पहुँचाने के लिए बेहतर किरदार अदा किया है। चूँकि जब तक मीडिया नहीं होगा आवाम के असल हकायक आवाम तक नहीं पहुँचते, क्योंकि यहाँ पर डिसइंफॉर्मेशन है, झूठ है, प्रोपेगंडा है और लालच के सारे मसाइल हैं। और जब तक ये आप मीडिया नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो मैं इस सिलसिले में आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे नॉमिनेशन के बारे में जो प्रोपेगंडे और झूठ के पलंदे बांधे हुए थे कि ये इलेक्शन नहीं कर सकता, तो आज अल्लाह के फजल से वो सारे झूठ और पलंदे ख़त्म हो गए हैं, मेरे कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो गए, मंजूर हो गए। तो अब मुनासिब ये है कि हमारे जितने भी हजरात साथी जो इलेक्शन कर रहे हैं, बजाय झूठ और गलत प्रोपेगंडे का सहारा लेने के या कौमियतों को लड़ा के इलेक्शन करने के बजाय सही कौमी सियासत की जाए। क्योंकि मेरा अपना नज़रिया ये है कि मैं इलेक्शन में हिस्सा इसलिए ले रहा हूँ कि बहैसियत चेयरमैन मुझसे जो हो सकेगा वो पूरे पालस के लिए, पालस की बेहतरी के लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और अब आवाम की मर्ज़ी है कि किसको वोट दे के आगे लाते हैं। तो असल मसला ये है कि इलेक्शन में हिस्सा लेने का मकसद ये है कि अपने इलाके की तामीर और तरक्की हो, बजाय हम लोगों में नफरतें पैदा करें, लोगों को लड़ाएं, लोगों का इस्तेसाल करें कि उनको नौकरी देते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनको चपरासी लगाते हैं, लोगों का ज़मीर डाउन करने के बजाय तामीर और तरक्की की बात की जाए। तो मैं तो इस हवाले से इलेक्शन कर रहा हूँ कि पालस की इज्जत वक़ार बहाल हो और ये जो गलत प्रोपेगंडे वाली सियासत है वो ना हो। अगर अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं किसी बुग़्ज़ और इनाद के बग़ैर जो वोट देगा उसकी भी खिदमत करेंगे जायज़, जो नहीं देगा उसकी भी खिदमत करेंगे। और ये मेरे नज़दीक में नहीं है ये फलाना ख्याल है, ये फलाना ख्याल है, ये सब प्रोपेगंडे हैं, मेरे लिए सब बराबर हैं। तो इसलिए ये प्रोपेगंडा आज से ख़त्म होना चाहिए कि उसके वो इलेक्शन नहीं कर सकता, फलाना कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अब इनको इस चापट को बंद करना चाहिए और जमहूरी तरीके से जदोजहद करें। वही मैदान में आके जो आदमी जीता है उसका हक है और उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपकी मेहरबानी। और ये आवाज़ आप पहुँचाएँ उन तक, टीवी तक, सब मीडिया को कि ये प्रोपेगंडा झूठ का पलंदा आज ख़त्म हो गया है, मेरे कागजात एक्सेप्ट हो गए हैं और हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, हम ज़ाती या इनफरादी सियासत नहीं कर रहे, कोई जद्दोजहद के लिए हम आए मैदान में वो करेंगे इंशाल्लाह जो हमसे हो सकेगा।